आज मैं आपको बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा, मिक्स वर्कआउट, जो कि एक हफ्ता चलता है हमारा। एक हफ्ता मिक्स वर्कआउट चलेगा हमारा, जो बिगनर्स भाई लोग हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है, कौन सी आपको करनी चाहिए, कितने सेट्स करने चाहिए, कितने रैप्स करने चाहिए। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, जो कि डंबल कर्ल है। ये एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए है। इस सारी एक्सरसाइज के हम 4 सेट्स करेंगे, 12 टू 15 रैप्स। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी बाइसेप्स पे होगी, डंबल कर्ल। इसकी परफॉर्मेंस एंड पोजिशन चेक कर लो आप एक बार। बाइसेप्स का पंप देखो, कितना अच्छा बाइसेप्स का पंप आ रखा फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज हमारी हैमर कल होगी। इसके भी हम 4 सेट्स मारेंगे, 12 टू 15 रैप्स। इसकी पोजीशन एक बार चेक कर लो हैमर कल की। मैं एक टिप और देना चाहूँगा, हर एक्सरसाइज के बाद अब अपने मसल्स, जो आपके मसल्स है उसको फ्लेक्स ज़रूर करना। उससे आपका क्या होगा, जो मसल पार्ट होगा वो ज़्यादा बेटर दिखेगा, आप अच्छा पंप आएगा और बेटर दिखेगा। थर्ड एक्सरसाइज है अपनी बैक की, जिसका नाम लेग पुल डाउन है। उसके भी हम 4 सेट मारेंगे, 10 टू 12 रेप्स। बैक के लिए लेग्स के जो पार्ट होता है इसके, ये बैक की एक्सरसाइज है। इसका नाम लेग पुल डाउन है। इसके भी हम 4 सेट्स मारेंगे, 12 टू 15 रैप्स। इसमें बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जब नीचे रॉड लाते हैं बहुत अपनी बैक मोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना। इसकी एक पोजीशन ये है, सबसे बेस्ट पोजीशन है। ये मेरी बॉडी पंप है, बताओ कैसी लग रही है। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ एक्सरसाइज में, जो कि है हमारी चेस्ट के लिए बेंच प्रेस। इसके भी हम 4 सेट्स मारेंगे, 12 टू 15 रैप्स। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा बिगनर्स के लिए, जब भी आप जिम ज्वाइन करें तो हैवी वेट पे मत जाना। स्टार्टिंग में 2.5 किलो के डंबल से स्टार्ट करना, और जो आप बेंच प्रेस मारोगे तो खाली रॉड से ही करना। ये मत सोचना कि मैं 10-10 लगा के हैवी वेट लगा के मैं मारूं। ऐसा ये गलती बिल्कुल मत करना, इंजरी होने के चांस बढ़ सकते हैं आपके। ये देखो आप चेस्ट के वर्कआउट के बाद पंप कितना बढ़िया रखा चेस्ट के लिए। ये हमारी अपर चेस्ट हो गई, अपर चेस्ट, ये हमारी मिडल चेस्ट, ये हमारी लोअर चेस्ट। जो मैंने अभी एक्सरसाइज बताई आपको वो मिडल चेस्ट के लिए है, बेंच प्रेस। अब हम चलेंगे अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज में, जो कि हमारी शोल्डर होगी। इसके भी हम 4 सेट्स मारेंगे, 12 टू 15 रेप्स। ये फ्रंट डेल्ट शोल्डर के लिए है।
बॉडी कैसी लग रही फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये मेरी अभी एज 19 साल है, ज़रूर बताना इस एज के हिसाब से बॉडी अभी कैसी है मेरी। ये मेरी बैक है। लास्ट एक्सरसाइज अपने लेग्स की रहेगी, स्क्वाट्स, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स रहेगी। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो कि स्क्वाट्स है, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स। ये मैंने स्मिथ मशीन के लिए इसलिए बताया क्योंकि बिगनर्स के लिए अभी नॉर्मल स्क्वाट्स करना थोड़ा टफ होता है नॉर्मल रॉड में। स्मिथ मशीन में क्या फ़ायदा होता है, जो रॉड होती है वो डिसबैलेंस नहीं होती। ये सबसे अच्छा फ़ायदा है स्मिथ मशीन का। इसमें आप स्क्वाट्स करना 4 सेट 12 to 15 रेप्स।